साल दर साल इतिहास रच रहे नीरज चोपड़ा द आजाद आवाज परिवार की ओर से नीरज को बधाई। नमस्कार, मैं सौम्या दास, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर यह मेडल हासिल किया। गोल्ड ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता, उन्होंने 90.46 मीटर भाला फेंका। इसी इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे, वे 78.72 मीटर भाला फेंककर 10वीं पोजीशन पर रहे। पहला थ्रो फाउल, दूसरा थ्रो 82.39 मीटर, तीसरा थ्रो 86.37 मीटर, चौथा थ्रो 88.13 मीटर, पांचवा थ्रो फाउल, छठा थ्रो फाउल। नीरज चोपड़ा ने चौथे कोशिश में 88.13 मीटर लंबा थ्रो किया। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने अपने आखिरी थ्रो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 90.54 मीटर दूर भाला फेंका। वहीं इस प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान के अरशद नदीम भी शामिल थे, वो पांचवें स्थान पर रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86.16 मीटर का था। टोक्यो में 121 साल बाद रचा था इतिहास। ऑपरेशन के बाद वापसी करते हुए टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने 121 साल के भारत के ओलंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पहला गोल्ड दिलाया। उन्होंने 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। यह नीरज का पहला ही ओलंपिक था। ओलंपिक के बाद नीरज के चाचा ने भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 2019 में कोहनी की ऑपरेशन के बाद तो डर था कि वह वापसी कर पाएंगे या नहीं। उनके चाचा ने कहा था कि नीरज के लिए वापसी आसान नहीं थी। ऑपरेशन के बाद जब वह प्रैक्टिस में लौटे तो एक साल तक मोबाइल को स्विच ऑफ रखा। अगर उन्हें बात करना होता था तो वो खुद ही बात करते थे। टोक्यो ओलंपिक का एक साल देरी से होना नीरज के लिए फायदेमंद रहा। टोक्यो ओलंपिक कोरोना की वजह से एक साल बाद 2021 में हुआ था। उन्हें अपनी लय भी आने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले एथलीट। 39 साल से चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का गोल्ड जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया, उसे सिल्वर से संतोष करना पड़ा। 19 साल बाद देश को इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रोंज जीता था। नीरज इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वे पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है। नीरज ने ओलंपिक्स में दिलाया था गोल्ड। नीरज ने पिछले साल ओलंपिक में 120 सालों का सूखा खत्म किया था और भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार 1983 में किया गया था। क्वालिफायर का प्रदर्शन नहीं दोहरा सके नीरज। क्वालिफायर इवेंट में नीरज ने पहले ही थ्रो में 88.39 मीटर स्कोर करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में वह पहले और ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहे। फाइनल में उनका प्रदर्शन क्वालिफायर जैसा नहीं था। फाइनल में उनका बेस्ट 88.13 मीटर रहा। जेवलिन थ्रो इवेंट में एक अन्य भारतीय रोहित यादव 10वें स्थान पर रहे। रोहित ने 78.72 मीटर का भाला फेंका था। पिछली बार चोट के कारण नहीं खेल सके थे नीरज। 24 साल के भारतीय स्टार पिछले सीजन में कोहनी की सर्जरी के कारण नहीं उतरे थे।
साथ ही 2017 के सीजन में वह फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। उन्होंने 82.26 मीटर का स्कोर किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। बने रहिए द आजाद आवाज के साथ दुनिया की हर लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। नमस्कार।